एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क ऑन ऑपरेंड्स. एग्जाम्पल, अगर हम ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल की बात करें, प्लस माइनस डिवाइड मॉड ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ऑल दीज आर ऑपरेटर्स. सो ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेंड्स पे कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं. जैसे मैंने लिखा ए प्लस बी, तो यहाँ पे हमारा जो ए और बी है, ये दोनों क्या है, ऑपरेंड है जिस पे वर्क परफॉर्म किया जा रहा है. और प्लस क्या है, हमारा ऑपरेटर है. ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. ऑपरेटर पांच तरीके के होते हैं. कौन कौन से? सबसे पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर. नाउ अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब क्या? ऑपरेटर्स विच परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क. ऑपरेटर विच परफॉर्म्स मैथमेटिकल टास्क आर नोन एज अर्थमेटिक ऑपरेटर. ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर फर्दर दो तरीके को होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट यूनरी ऑपरेटर एंड सेकेंड बाइनरी ऑपरेटर. नाम से ही पता चल रहा है, यूनरी का मतलब वन. ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हो उनको हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं, और ऐसे ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड पे काम करते हो उनको हम, जस्ट वन मिनट समझते हैं. सो फॉर्स ये अपने आप क्यों चल रहा है भाई? अगर इसका कमांड हो रहा है, जस्ट वन मिनट. सो यूनरी ऑपरेटर और सेकंड क्या था हमारा? बाइनरी ऑपरेटर. तो यूनरी ऑपरेटर मतलब क्या? जो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करे. जैसे कौन कौन सा होता है यूनरी ऑपरेटर? तो चलो मैं एक कॉलम बना लेता हूँ, एक सिंबल के लिए एक कॉलम, मतलब कौन कौन सा होता है वो सारे सिंबल्स बनाऊंगा. दूसरा कॉलम उनका नेम क्या होता है, और तीसरा कॉलम एग्जाम्पल कैसे यूज करते हैं. अब यूनरी ऑपरेटर का मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा है, डेफिनेशन लिखना होगा यूनरी ऑपरेटर का. तो लिख सकते हो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स विच वर्क ऑन सिंगल ऑपरेंड. डेफिनेशन लिखना होगा यूनरी ऑपरेटर का, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स विच वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड. और अगर बाइनरी का लिखना हुआ है तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स विच वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड्स. सिंपल है, लिख लेना, मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा. सो सिंबल में कौन कौन से? सबसे पहला हमारे यूनरी ऑपरेटर कौन सा है? प्लस. अब तुम सोच रहे होगे यार, ए प्लस बी, ये तो दो दो ऑपरेंड पे यूज हो रहा है, ये यूनरी कैसे हुआ? तो नहीं, ये प्लस नहीं है, एडिशन ऑपरेटर है. प्लस इसको बोलेंगे, जैसे हमने लिखा है प्लस ए, यहाँ पे शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव है, ये प्लस है. अगर यहाँ सम हो रहा है तो ये वाला एडिशन ऑपरेटर है, बाइनरी में आता है, और ये वाला प्लस यूनरी में आता है. उसी तरह माइनस, माइनस ए सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहा है ना, ए नेगेटिव है. बट वही अगर हम ए माइनस बी यहाँ पे देखो तो ए माइनस नहीं है, इसको सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं. तो यूनरी ऑपरेटर में सबसे पहला हमारा है प्लस. एग्जांपल यूज कैसे होता है? जैसे प्लस ए देन माइनस. यूज कैसे होता है? जैसे माइनस ए. और क्या होता है? प्लस प्लस, नाम सबने सुना होगा, यूज भी किया होगा. इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये वैल्यू को एक बढ़ा देता है. यूज दो तरीके से होता है, प्लस प्लस ए, ए के पहले, और ए प्लस प्लस, ए के बाद में. दो, अभी दो तरीके से क्यों यूज करते हैं बताऊंगा आगे. फिर माइनस माइनस, इसको बोलते हैं हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वैल्यू को एक घटा देता है. ये भी यूज दो तरीके से होता है, वेरिएबल के पहले माइनस माइनस है, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, वेरिएबल के बाद में पोस्टफिक्स बोलते हैं. अब बाइनरी पे आते हैं.
तो इसमें भी हम तीन कॉलम बना लेते हैं, सिंबल देन नेम देन एग्जांपल। तो सबसे पहला कौन सा है हमारा बाइनरी में, एडिशन ऑपरेटर, प्लस नहीं है, ये क्या है, एडिशन ऑपरेटर, दो वेरिएबल को सम करता है, ए प्लस बी जैसे। फिर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, जैसे ए माइनस बी। फिर इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, ये क्या करता है कंप्यूटर में, इसको एस्ट्रिक बोलते हैं जावा में, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर ए इंटू बी। फिर डिवीजन ऑपरेटर, डिवाइड करता है, कोसेंट देता है, ए डिवाइडेड बाय बी। फिर मॉड, इसको बोलते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर, और कंप्यूटर में इसको हम मॉडुलस बोलते हैं, और जावा में रिमाइंडर ऑपरेटर, ये क्या करता है, ए मॉड बी, रिमाइंडर देता है। आई डोंट थिंक और कोई बचा है इसमें बाइनरी में। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसको सब लोग लिख लो।